दोस्तों आरबीआई लगातार बैक टू बैक अनाउंसमेंट कर रहा है रिगार्डिंग एनबीएफसी और बैंक, जिस कारण एफआईआई ने कितनी भयंकर सेलिंग कर रखी है, कितनी भयंकर शॉर्ट पोजीशन बना रखी है बैंकों को लेकर, ये आपको पता होना चाहिए। तो एक एक करके बताऊंगा कि बैंकों को लेकर अभी आपको कॉशियस ही रहना है, क्योंकि बैंकों में जो दिग्गज बैंक है उनमें सेलिंग बहुत हाई है। अभी डेटा के साथ मैं दिखाऊंगा आपको, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तो ऐसा ना हो कि कहीं आप ऊपर के लेवल पे ट्रैप हो जाओ। तो आरबीआई के अनाउंसमेंट हो रहे हैं, सीधा सीधा आपको देखने को मिल रहा है। और अब बड़ी प्रॉब्लम लगी है, देखिएगा कि जो आरबीआई के स्वामीनाथन है तो उन्होंने कॉशियस वार्निंग दी है कि एनबीएफसीज का जो डेटा है अनसिक्योर्ड लेवल का वो बहुत पुअर है। तो अगर आप देखेंगे, व्हाइल ऑटोमेशन कैन इन्हेंस एफिशिएंसी स्केलेबिलिटी एनबीएफसी should not allow themselves to be blinded by these model, यानी कि उन्होंने कहा है कि जो ऑटोमेशन है वो इन्हेंस करता है एफिशिएंसी को भी और स्केलेबिलिटी, यानी कि काफ़ी लंबे स्तर पे काम करने को लिए, लेकिन आप ब्लाइंड मत हो जाइए, ब्लाइंड मॉडल यूटिलाइज नहीं करिए लोन देते समय कि आपको पैसा वापसी करने में इतनी दिक्कत आ जाए कि आपके एनबीएफसी ही डिस्टर्ब हो जाए, उनकी बैलेंस शीट डिस्टर्ब हो जाए। तो अगर आप देखेंगे, द रूल बेस्ड क्रेडिट इंजन्स आर ओनली इफेक्टिव एज द डेटा क्राइटेरिया अपॉन, अगर आप देखेंगे, ओवर रिलायंस ऑन हिस्टोरिकल डेटा एल्गोरिदम में लीड ओवरसाइट इनएक्यूरेसी क्रेडिट असेसमेंट। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कि अगर आप हिस्टोरिकल बेसिस पे डेटा क्या करेंगे, लोन बांटेंगे, तो वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेगा। पहला अनाउंसमेंट आपको देखने को, पहली वार्निंग देखने को मिल रही है। दूसरी, आपको पता है गोल्ड फाइनेंस को लेकर आई चुकी है कंपनीज को लेकर कि आरबीआई ने कैश एडवाइजरी जारी करी है, तो इस सेगमेंट को भी कोई रिलैक्सेशन नहीं मिला है जो गोल्ड के थ्रू लोन देते हैं या फिर गोल्ड फाइनेंसेस कराते हैं। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे भी इन एनबीएफसीज को लेकर भी काफ़ी सख्त हो गया आरबीआई। और जैसे ही ये एडवाइजरी जारी हुई थी तो स्टॉक मार्केट में भी देखिएगा नीचे गिरावट देखने मिली थी और एनबीएफसीज में भी। तो बैक टू बैक दो इन्फॉर्मेशन आ चुकी हैं। अब तीसरी इन्फॉर्मेशन ये आई है कि जो एफआईआई है उन्होंने विड्रॉ करा है 46,000 करोड़, अगर आप देखेंगे, फ्रॉम फाइनेंशियल स्टॉक इन 2024 में 46,000 करोड़ यहाँ पे देखिएगा फाइनेंशियल स्टॉक मार्केट से निकाले हैं आरबीआई ने, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ पे निकाला गया है, किस महीने में निकाला गया है, ये आपको पता होना चाहिए। आफ्टर सेलिंग वर्थ रुपीज़ देखिएगा 30,000 करोड़ इन जनवरी, 30,000 करोड़ जनवरी में, नियरली 10,000 करोड़ फरवरी में। एफआईआई टर्न इनटू नेट बायर इनटू द सेक्टर मार्च में वो नेट बायर हो गए थे, यानी कि जनवरी में सेल करा, फरवरी में सेल करा और यहाँ पे बायर हो गए मार्च में। दे रिज्यूम्ड सेलिंग, यानी कि फिर से वो सेलर हो गए, विथ लास्ट मंथ सेलिंग अमाउंटिंग टू अराउंड 9,300 करोड़। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी तेजी से सेलिंग चल रही है एफआईआई की और कंटिन्यू इस साल में 46,000 या फिर आप कह सकते हो इस क्वार्टर में 46,000 की सेलिंग हो चुकी, करोड़ की सेलिंग हो चुकी है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो सेलिंग हुई है वो बैंकों में हुई है, टॉप बैंक्स में हुई है। तो अगर आप देखेंगे तो ये आपने पूरा डेटा देख ही लिया, 30,000 करोड़, 10,000 करोड़ और फिर बायर हो गए और फिर सेलर अब कंटिन्यू सेलिंग कर रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्च क्वार्टर एचडीएफसी बैंक ने सबसे ज़्यादा सेलिंग देखी, यानी कि आप जिसको निफ्टी बैंक का एक स्तंभ बताते हो उसमें सबसे ज़्यादा सेलिंग हो रही है। आप देख सकते हो यहाँ पे एफआईआई ने पूरी तरीके से यहाँ पे ऑफलोड कर दिए हैं 29 करोड़ शेयर्स इंडिया लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर लेंडर में। तो आप समझ सकते हैं हाईएस्ट सेलिंग उस बैंक में जो निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 का नंबर वन स्टॉक है। फिर एफआईआई ने बेचा है कोटक महिंद्रा बैंक को और फिर बेचा है एक्सिस बैंक को। दीज आर टॉप 5 बैंक, टॉप 5 निफ्टी बैंक वेटेड स्टॉक। आप समझ सकते हैं इनमें इतनी सेलिंग हो रही है। तो आप बिल्कुल कॉशियस रहिए कि अगर बैंकों में अचानक से कोई गिरावट देखने मिल जाए, बैंकों में अभी जल्दबाजी में पोजीशन मत बनाइए। निफ्टी बैंक में भी देखिएगा अभी अगर मगर की स्थिति है,
वोलेटिलिटी बहुत है, जब गिर रहा है तो 1,500-2,000 गिर रहा है, बढ़ भी रहा है तो 1,500-2,000 बढ़ रहा है, और आप देख सकते हैं कि काफ़ी टाइम से निफ्टी कंसोलिडेशन के जोन में निफ्टी बैंक। तो FII की सेलिंग को देखते हुए आपको निफ्टी बैंक और टॉप बैंकों पर कॉशियस रहना है, क्योंकि RBI जितने नॉर्म्स को टाइट करेगा उतना ज़्यादा बैंकों पे असर पड़ेगा और निफ्टी बैंक भी उसी के हिसाब से परफॉर्म करेगा। तो इसीलिए बी कॉशियस। राम राम।